यहाँ करेला हमने काट के रखा है धो करके। ये तेल गरम हो चुका है, इसमें हम जीरा का थोड़ा ज़्यादा नहीं तलेंगे क्योंकि करेला तलाएगा। करेला को हमने पानी से छान के रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होती है लोग इसको नहीं खाना पसंद करते हैं, हालांकि इसमें खाना तरीके से साफ करता है। नमक दिया, यह हल्दी पाउडर, ये तीखा मिर्च पाउडर, चाट मसाला, ये तलाता है तो फिर वक्त लगता है थोड़ा सा तलने में। आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकती हैं, हमने कड़वा तेल में बनाया है क्योंकि भुजिया वगैरह कड़वा तेल में ही अच्छी लगती है। देखिए यह हमारी भुजिया फ्राई हो रही है, अभी बहुत ही कच्ची है, अभी और फ्राई होगी, एकदम अलग अलग हो जाएगा तला करके। ये देखिए हमारी भुजिया होने पर आ गई है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। चाट मसाला वगैरह सब डाल करके बनाएंगी तो आमचूर दीजिए इसमें, हर मसाला दीजिएगा, भुजिया बहुत मज़ेदार बनेगी और सभी लोग खाएंगे। अच्छे से बनाने तो सब लोग खाते हैं, अच्छे से नहीं बनेगा तो कोई नहीं खाएंगे। आप ऐसा बनाया है ऐसे